धार शहर में ईद मिलादुन नबी के जुलूस के तहत मंगलवार को करीब 10:15 बजे अचानक से अफरा तफरी का माहौल बन गया। जुलूस जब उटावत दरवाजे क्षेत्र से गुजर रहा था तो उसमें शामिल कुछ लोगों ने बैरिकेड्स हटाकर प्रवेश निषेध वाले क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास किया। इस पर पुलिस बल ने इन लोगों को रोका। जब लोग हंगामा करने लगे तो पुलिस बल को लाठी भांजना पड़ी। ऐसे में कुछ देर के लिए अफरा तफरी के हालात बन गए थे। पुलिस बल ने हालात पर तुरंत ही काबू पा लिया। लाठी चार्ज के बाद कई इलाकों में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। हम आपको बता दें कि पहले इसकी अनुमति नहीं थी, लेकिन कल शाम को प्रशासन ने सीमित क्षेत्र में जुलूस निकालने की अनुमति दी थी। इस मामले को लेकर धार कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है, जुलूस में नियम तोड़ने वालों पर उचित कार्यवाही होगी। राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। देखिए, लाठीचार्ज एग्जैक्टली नहीं हुआ। जो मिलादुल नबी का जुलूस था उसके लिए एक रूट तय किया गया था, लेकिन फिर लोगों की कुछ लोगों ने जिद की कि जो परंपरागत रूट है उसी पे उन्हें निकालना है। उसको लेके कुछ शैतानी तत्व हैं वो उस जुलूस में इन्वॉल्व हुए और उनको वहाँ से खदेड़ा गया। उसके अलावा जो है जुलूस को शांतिपूर्वक निकाला गया और अभी पूरा जुलूस जो है वो डिस्पर्स हो गया है और नगर में शांति। सर, भारी भीड़ थी जुलूस में, जबकि गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का उल्लंघन माना जा रहा है। देखिए, उसमें जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और जो अन्य लोग हैं उन्हें चिन्हित किया जाएगा और जो भी उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिस कर्मियों को भी चोट आई है? नहीं, अभी किसी को कोई चोट नहीं। देखिए, अभी चीज़ें अभी पुलिस जो है काम कर रही है और जैसे आगे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर काम करेंगे। सब पत्रकारों के साथ भी जो है मोबाइल छीनने की धमकी दी गई है। देखिए, जो भी आप शिकायत कर दीजिए, हम उसको इन्वेस्टिगेशन करके जो सही कार्रवाई है। हर बार त्योहारों के दौरान जो है कम्युनिटी की बैठक ली जाती है, उनको विश्वास में लिया जाता है। इस बार कोई बैठक नहीं की गई है, सीधे अपील की गई है। अपील और आदेश में फर्क होता है। क्या पंचर बनाने वाला, फल चलाने वाला ट्विटर चलाया, फेसबुक चलाया कि भाई उसमें शाम को आप मैसेज डाल देंगे कि कार्यक्रम नहीं होगा, फिर वो कार्यक्रम में नहीं जाए। देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत ही प्रभावी तरीका है कम्युनिकेशन का। कई बार जो बैठक जिसमें कंट्रोल रूम में सिर्फ 50 लोग आते हैं उससे ज़्यादा प्रभावी तरीका सोशल मीडिया है। सर, छोटी छोटी एम्बुलेंस का अगर इनॉग्रेशन होता है तो उसका फोटो आप मीडिया को देते हैं। इस बार इस तरह की अपील कोई मीडिया को जनसंपर्क के माध्यम से नहीं दी गई है। आप फेसबुक और ट्विटर के कर रहे हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी ट्विटर से कैसे समझेगी कि जुलूस नहीं निकालना? देखिए, सोशल मीडिया पे और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, जो लोग इस कमेटी में भी थे ऑर्गेनाइजिंग, उन्हें सभी को इन्फॉर्म किया गया था और पर्याप्त जो संचार के माध्यम है उससे लोगों को कम्युनिकेट किया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।